आजकल हरियाणा की राजनीति में बड़ी उठापटक चल रही है। पीछे 13 तारीख को हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री से मिले अपने हलके की समस्याओं को लेकर, लेकिन ये बात भाजपा अभिनेत्री कहूँ या नेत्री को पसंद नहीं आई तो बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने झूठ के पुल बांधने शुरू कर दिए। आइए हम आपको बताते हैं क्या है झूठ और क्या है हकीकत। झूठ नंबर वन, जब मैंने 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी, 12 तारीख की मेरी पोस्ट देख लेना आप, 12 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, उनको मैं चिट्ठी दे के आई हूँ और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए मुझे आश्वासन दिया कि ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, इसको तुरंत हम लागू करवा देंगे, काम शुरू करवा देंगे। तो ये काम हम सोनाली फोगाट कह रही हैं कि 12 तारीख को ही उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी और उनके कहने पर ही काम हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि खुद मुख्यमंत्री ऑफिस ने कहा है कि कार्य कुलदीप बिश्नोई के द्वारा कराया गया है। और सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज पर भी हमें ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली जिससे ये साबित हो कि उन्होंने 12 तारीख को कोई चिट्ठी लिखी। झूठ नंबर दो, हो गई, जब भी पानी भरता है मैं वहां जाके खड़ी होके अधिकारियों को साथ ले जाके मैं वो पानी निकलवाने का काम भी करवाया मैंने बार बार, और उसमें विधायक जी कहीं भी मौजूद नजर नहीं आए कहीं भी। सोनाली फोगाट कह रही हैं कि जब बरसात का पानी भरा तो कुलदीप बिश्नोई उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन हकीकत है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुलदीप बिश्नोई खुद भी मुसीबत के समय मौजूद थे और अधिकारियों से भी लगातार संपर्क करके इस बड़ी समस्या से निजात दिलाई थी। झूठ नंबर तीन, कभी साल 6 महीने में मुझे लगता है कभी कभार आते हैं और जब काम हो जाता है तो उसका श्रेय। सोनाली फोगाट कह रही हैं कि भादरा फाटक उनके द्वारा खुलवाया गया, कुलदीप बिश्नोई सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने रेल मंत्री को पत्र लिखा, रेणुका बिश्नोई मौके पर पहुंची, कुलदीप बिश्नोई व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री से मिलकर फाटक खुलवाया और जो आधिकारिक रूप से पत्र मिला उसमें भी यह स्पष्ट लिखा था कि ये फाटक कुलदीप बिश्नोई के पत्र पर कार्रवाई करते हुए खोला जा रहा है। सोनाली फोगाट के झूठ सुन सुनकर ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सोनाली को कुलदीप बिश्नोई नाम का फोबिया हो गया है, इसलिए भाजपा की मकारियों से बचिए और सच और अपने को पहचानिए।